जंगल की विविधताओं को समेटे है हर एक जीव। हर एक जीव कहीं ना कहीं जंगल की शोभा ही है। किसी की सुंदरता तो किसी का साहस, तो किसी का दिखने में अजीब होना एक अनोखा समीकरण बिठाता है। जंगल में यदि सुंदर सा हिरन है तो कहीं ना कहीं बलशाली दिखने वाला हाथी भी, तो कहीं ना कहीं दहाड़ता हुआ शेर। कई तरीके के जीव जंतुओं के सम्मिश्रण से बना हुआ है जंगल का वातावरण। तो कहीं ना कहीं ऐसे राइनो यानी कि गेंडा, जिन्हें शायद कोई देखना पसंद ना करता हो, जिन्हें देखना शायद अजीब सा लगता हो, लेकिन इनके लिए भी एक विशेष तौर पर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिवस इनकी सुरक्षा के लिए, इनके बारे में लोग जान सकें, इसलिए मनाया जाता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं आज के इस डे इवेंट में, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक पहुंचती रहे। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस यानी कि विश्व गेंडा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और ये दुनिया भर में गेंडों की 5 प्रजातियों का जश्न मनाता है। संरक्षण के दृष्टिकोण से ये दिन इन खूबसूरत जानवरों की दुर्दशा के बारे में लोगों को अवगत कराता है कि आखिरकार ऐसे जानवरों के साथ किस तरीके का व्यवहार चल रहा है। गेंडों की 5 प्रजातियों में काला, सफेद, बड़ा एक सींग वाला, सुमात्रा और जावन शामिल है। एक समय में गेंडे पूरे यूरेशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे। 20वीं सदी की शुरुआत हुई लगभग 5 लाख गेंडे पृथ्वी पर घूमते थे। आज गेंडों को राष्ट्रीय उद्यानों और रिजर्व के बाहर जीवित रहना मुश्किल हो गया है। एशिया में जवान और सुमात्रा गेंडे गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। दुनिया में केवल 58 से 68 जावन गेंडे हैं। 2011 में जावन गेंडों की एक उप प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आज केवल 80 सुमात्रा गेंडे ही बाकी बचे हैं। भारत में संरक्षण प्रयासों के कारण एक सींग वाले बड़े गेंडे, जिन्हें भारतीय गेंडा भी कहा जाता है, की संख्या में दिन पर दिन थोड़ी सी वृद्धि पाई जाती है। आज इन गेंडों की संख्या 3500 से अधिक है। हालांकि उन्हें अभी भी असुरक्षित ही माना जाता है। काला गेंडा भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। 5 गेंडों की प्रजातियों में सफेद गेंडों की संख्या सबसे अधिक है, जिनकी संख्या 20,000 से अधिक है। गेंडों को जिन चीजों से खतरा है उनमें है अवैध शिकार, आवास का नुकसान, बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं शामिल है। कुछ लोग गेंडों का शिकार करते हैं, तो आखिरकार इनका शिकार होता क्यों है? लोगों का मानना है कि सींगों में शक्तिशाली उपचारिक गुण होते हैं। वे अवैध रूप से सींगों को पीसकर पाउडर बनाने के लिए उनका शिकार करते हैं और उस पाउडर को बेचते हैं। नतीजन शिकारी केवल सींगों को काटने के लिए जानवर का ही शिकार कर डालते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्यता है ही सब पर भारी। लोग हर तरीके से अपने आप को लाभान्वित करना चाहते हैं, चाहे उससे किसी की जान ही क्यों न चली जाए। तो यार ऐसे काम करने भी नहीं चाहिए कि जिससे दूसरे का अहित हो, क्योंकि प्रकृति में हर जीव को जीने का अधिकार है। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, हमें कुछ तो इंसानियत होनी ही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज इस दिवस को मनाया जाना शुरू किया गया है, तो कहीं ना कहीं इंसानियत की कमी ही होगी जो ऐसे बेजुबानों का लोग शिकार कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। आइए जानते हैं गेंडों के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आप इस वीडियो में ही जान पाएंगे। गेंडों के समूह को क्रैश कहा जाता है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, गेंडे शाकाहारी होते हैं, जी हाँ, वेजिटेरियन। उनके सींग केराटिन से बने होते हैं, जो हमारे नाखूनों जैसा ही एक पदार्थ होता है। गेंडों में सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन देखने की नहीं। वे अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए कीचड़ में लेटते हैं, यानी कि जैसे अन्य जानवर करते हैं, वैसे ये अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए कीचड़ का सहारा ले लेते हैं। गेंडों की गर्भधारण की दर 16 महीने होती है। अपनी मोटी त्वचा और घातक सींगों के कारण गेंडों का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता, बल्कि इनको सबसे ज्यादा खतरा इंसानों से ही है। काला गेंडा सभी प्रजातियों में आक्रामक होता है। सफेद गेंडा सबसे बड़ी प्रजाति है और इसका वजन 5000 पाउंड तक होता है। कुछ गेंडों के 2 सींग होते हैं। विश्व राइनो दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम इन प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं के प्रति दया रखें, दया भाव से हम इन्हें अपने जीवन को जीने दें। दुनिया भर में चिड़ियाघर, रिजर्व और राइनो अभयारण्यों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व राइनो दिवस विशेष रूप से अफ्रीका में लोकप्रिय है। संगीत कार्यक्रम, माउंटेन बाइक रेस, कला नीलामी, फुटबॉल,
टूर्नामेंट और अवैध शिकार विरोधी लाभ कई तरह के कार्यक्रमों से हम लोगों को इन जानवरों को न मारने की अपील कर सकते हैं। यदि आप ऐसे किसी एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हैं, इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आज के दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य जरूर समझ लें और इस वीडियो को लोगों तक साझा करें। विश्व राइनो दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2010 में। इसके ठीक एक साल बाद 2011 में विश्व राइनो दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय सफलता बन गया। तब से दुनिया भर में गैर सरकारी संगठन, चिड़ियाघर, संबंधित व्यक्ति और वन्य जीव संगठन हर साल विश्व राइनो दिवस यानी कि विश्व गेंडा दिवस मनाने के लिए एकजुट होते हैं। तो अगर हम ऐसे जीव जंतुओं के लिए ये दिवस मना नहीं सकते, तो कम से कम इस वीडियो को साझा करके लोगों तक ये संदेश जरूर पहुंचा सकते हैं कि एक दिन इनके लिए भी है और इनकी सुरक्षा के लिए, इनके बारे में कुछ रोचक जानने के लिए ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये डे इवेंट पसंद आया। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नए डे इवेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।